सामने से एक गाड़ी जा रही है। ओ बच गया बच गया। चलो इधर जाना है राइट। अरे मेरा पैसेंजर, क्या भाई तेरे को क्या हो गया? मैंने तुझे कुछ बोला क्या? ब्रेक ही तो मारा है। अभी ठीक है, मजा आया? यो व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम दोबारा से खेलने जा रहे कार पार्किंग ऑनलाइन, और इस गेम में मैंने इतने दिनों में बहुत सारे गाड़ियों को खरीद लिया है। तो चलिए फटाफट से हम जाते हैं गैराज में, और गैराज में जाके पहले अपना गाड़ी को चेंज करते हैं। और आज हम इसमें बहुत सारे मिशंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना ये वाला नया गाड़ी, ये मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन कलर का है, और ये इससे मैं खेलूँगा आज। तो सिंगल प्लेयर ही खेलेंगे, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ऑफ रोड लेते हैं, ठीक है? ऑफ रोड में आज खेलते हैं और मज़ा आएगा पूरा। देख सकते हैं पूरा एकदम खतरनाक ग्राफिक्स लग रहा है। और अगर चलिए मैं इसे हाईएस्ट सेटिंग्स पे कर देता हूँ, ठीक है? और भी सेटिंग्स को थोड़ा मैं इम्प्रूव कर देता हूँ क्या? तो यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लग रहा है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए चलते हैं। इस रास्ते को देखने में ही बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो जंगल वंगल में हम लोग घूमेंगे पूरा, एकदम मज़े करेंगे। चलिए यहाँ पे रेसिंग ट्रैक टाइप है कुछ, तो शायद रेस होगा यहाँ पे, लेकिन मैं तो भाग नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी वो सब कोई भी ऑप्शन क्लिक नहीं किया है इसीलिए। तो यहाँ पे थोड़ा संभाल के सब, अरे अरे अरे, हाँ चलो। तो पहाड़ वहाड़ है तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने देख लिया है। अभी हम लोग जाते हैं मेनू में और जाके दूसरा कुछ सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं और कर देते हैं सिंगल प्लेयर, और यहाँ पर हम लोग खेलते हैं हाईवे माउंटेन। चलिए माउंटेन पर खेलते हैं, ठीक है? माउंटेन पे खेलते हैं, पार्किंग वाला, टैक्सी वाला। हाँ तीन जन है यहाँ पे, सनी नाम का कोई है। तो चलिए सनी को हम लोग पिक करते हैं, उसको उसके जगह पर पहुँचा देते हैं। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी एकदम खतरनाक लग रहा है देखने में, और ग्राफिक्स भी बहुत ही सही है। अरे भाई तेरे को क्या दिक्कत है भाई? मैं क्या थोड़ी तेरे से रेस लगा रहा हूँ? क्या अच्छा था मैं रेस लगाऊँ तेरे से? चलो कोई बात नहीं, छोड़ दिया, मुझे कहीं और जाना है इसीलिए। तो वाह, ये रास्ता तो बहुत ही अच्छा लग रहा है माउंटेन के बीच में। हाँ, लग गया लग गया। अभी मुझे रिवर्स लेना पड़ेगा। मेरा मर्सिडीज का गाड़ी था, मर्सिडीज का गाड़ी थोड़ा पिचक गया। यहाँ पे मुझे 20 सेकंड के अंदर उसके पास पहुँचना है। चलिए पहुँच जाते हैं, कोई बात नहीं, यहीं पे है, मिल गया शायद। हाँ उधर ही है, आ जाओ भैया आ जाओ। चलो हाँ ये आ गया है, इसने अपना लोकेशन भी दे दिया है। चलो चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करना दोस्तों, क्योंकि लाइक से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने गेम खेलने के लिए बहुत ही महंगा फ़ोन ख़रीद लिया है, और देखते हैं इससे या नहीं। और यहाँ पर ग्राफिक्स भी बहुत ही ख़तरनाक है। और जो मेरा डिवाइस है मैं आपको बता दूं, ये मेरा ओप्पो का डिवाइस है। आप लोग बस फिलहाल गेम का मज़ा लीजिए। अरे अरे रे 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 रे, उसका तो उल्टी हो गया। चलो मेरे पैसेंजर का थोड़ा उल्टी हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा उल्टी करना सेहत के लिए अच्छा होता है। और अभी चलते हैं, उसे जाना तो है बहुत दूर। अभी 5 मिनट का टाइमिंग दिखा रहा है, लास्ट एपिसोड में जैसे देखा था हम लोग बहुत दूर चले थे, तो इसे भी शायद उतना ही दूर लेके जाना पड़ेगा। और बीच में हमने बहुत सारे पैसों का भी सत्यानाश कर दिया था अपने, तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से पता नहीं अभी वहाँ पे वो डायरेक्शन ख़त्म हो गया, अभी और कुछ नहीं दिखा रहा। चलिए सामने जाना है, यही है वो जगह जहाँ पर मेरा 55 रुपये का हर बार चालान कटता है। तो अभी मैं वेट करता हूँ, ठीक है? चलिए फिर, अभी तो 75 रुपये का कट गया, मतलब महंगा गाड़ी देखा तो 75 का काट ले। अजब ही सिस्टम है यार इनका। सामने से एक गाड़ी जा रही है, ओ बच गया बच गया। चलो इधर जाना है राइट। अरे मेरा पैसेंजर, क्या भाई तेरे को क्या हो गया? मैंने तुझे कुछ बोला क्या? ब्रेक ही तो मारा है। तो यहाँ पे पैसेंजर तो गुस्से में आ गए, मुझे गुस्से वाला इमोजी दिखा रहा है। मुझे तो लग रहा है इसे मैं यहीं पर उतार दूँ और बोलूँ कि पैदल चल तू, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार ड्राइवर हूँ, और मुझे उसे अपनी जगह पर पहुँचा के मानना है। देखते पहुंचाने के बाद कितना देता है। पैसे तो ये लोग देते नहीं है, एक्स्ट्रा देते 2-3 हज़ार। अभी ठीक है, मज़ा आया? चलो उसे तो मज़ा आ गया, आ जाए या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा गाड़ी तो टूट गया है। एक एक पैसेंजर को पहुंचाने में मेरा कितना लॉस हो जा रहा है। और यहाँ पे अभी चारों तरफ रास्ता है, मैं किधर जाऊँ? रुको सबसे पहले मैं यहाँ पर ना मैप देख लेता हूँ। अच्छा मुझे इस तरह भी जाना है, और घूम के कहाँ तक जाना है? अरे बाप रे, तो
ये तो और भी ज़्यादा दूर जाएगा, ये दूसरे कंट्री में जा रहा है शायद गाड़ी में, तो कुछ नहीं कर सकते, अब इसे लेके जाना ही पड़ेगा दूसरे कंट्री में, देखते हैं कितना टाइम लगता है। लग रहा है तो आप देख सकते हैं पूरा एकदम बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से, पहाड़ वगैरह। वो तो अभी रोने लगा, चलो ठीक है रो मत अब तुम, मेरा पैसेंजर तो रोने लगा था कि वो टाइम में, इसका इंटरव्यू है शायद टाइम में नहीं पहुँच पाएगा इसलिए रोने लगा था। चलिए अभी यहाँ पे एक टनल टाइप है, ओहो हो साउंड भी मैं फील कर पा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर साउंड है इसका, चलो ये अभी ये मरने वाला है मेरा पैसेंजर। फ़ोन जितना भी नया खरीद लूँ ड्राइविंग तो मैं नहीं सीखता हूँ, सीख पाऊँगा लग रहा है। और मेरे गाड़ी का सामने का हालत पूरा ख़राब हो गया है, यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सा एक नज़ारा है, और यहाँ पे सही फिर से वो गुस्सा रहा है, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है तेरी यार, निकाल दूँगा यहीं पे, उतार दूँगा और मार भी दूँगा अभी तुझे अगर इतना करेगा। मैं थोड़ा ना फ्यूल डाल लेता हूँ ठीक है, क्योंकि पता नहीं अभी इस रास्ते में अगर ख़त्म हो जाए तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक यहाँ पे फ्यूल डल रहा है। लोगों ने तेल डाल दिया और अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं अपने रास्ते की तरफ, तो देखते हैं हम लोग कितने देर में पहुँचते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि टाइम के अंदर मैं उसे पहुँचा पाऊँगा। और सामने नदी है, लास्ट टाइम तो मैं नदी में गिरते गिरते बचा था बहुत ही मुश्किल तरीके से, तो इस बार वहाँ पर नहीं गिरना है, तो थोड़ा संभल के चलते हैं ठीक है। बच गया, लेकिन मैं यहाँ पर जंगल पर आ गया था, अरे बाप रे, बहुत ही रिस्क में बचा, मर जाता शायद उधर, अभी पता नहीं कि कब। अच्छा ये दिन ही तो है, पहुंच गए हम बातों में हम लोग, तो दोस्तों हम लोग बात करते करते उसके जगह पर पहुंच गए, और मुझे अभी लगा था कि मैं क्रॉस कर दूंगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं अब पहुंच तो गए हैं। तो चलिए दोस्तों पहुंच गए, इसे हम लोग पहुंचा देते, देखते कितना पैसा देते हैं, और इसने मुझे 4,559 रुपये दिए हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं दिया है, 5,000 दे देता तो अच्छा होता, लेकिन हम लोग टाइम पर क्योंकि पहुँचा नहीं पाए तो हम लोग वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे। तो यहाँ पे कार सर्विसिंग का ऑप्शन है, तो देखते हैं कार सर्विस होता है या नहीं, चलिए देखते हैं। डिजेबल इंजन, अच्छा चलिए इंजन को बंद कर देते हैं, चलो बंद कर दिया, अभी टर्न ऑन इंजन कर दिया, क्या हो गया वो, अच्छा मैं सीख गया, मुझे यही पता नहीं था कि गाड़ी को कैसे रिपेयर करते हैं, और मैं वो सीख गया हूँ, चलो अच्छी बात है, कुछ तो काम आया इस बार ये खेल के, चलो वो मैं सीख गया। तो दोस्तों मैंने एक नया चीज़ सीख लिया है कैसे मेरी गाड़ी को रिपेयर करना है, और आज का वीडियो यही तक था, तो वीडियो अगर पसंद, अच्छा रिवर्स में सॉरी, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड नाइट।